किसी भी प्राणायाम जरूर करें, कम से कम 10-15 अभ्यास। कैसे होंगे आप उनको देखें, इसके लिए नाली नमा बनाइए इसको, शीतली जैसा नाम वैसा गुण। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें विशेष रहती है, शीतलता और उष्णता। इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। अगर शरीर में उष्णता बढ़ गई तो विकार करेगी, शीतलता बढ़ गई तो कफ आदि रोग पैदा करेगी। अब गर्मी का मौसम है, लू लग गई है या शरीर में किसी तरह से उष्णता बढ़ गई है, चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन के अंदर कुछ खटपट हो रही है, तो 2 मिनट के लिए शीतली प्राणायाम करिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। किसी के घर में समस्या किसी ने सिर आती है तो शीशम के ताली के पत्ते 8-9 पत्ते लीजिए, उसका मिक्सर बनाइए हल्का सा और बच्चे को जूस पिला दीजिए। किसी की तकसीर बहती है जूस पिला दीजिए। और बता देता हूँ, कहीं पर आपके ब्लड का फ्लो होता है नहीं रुक रहा तो आप ये उंगली के लिए यहाँ पर इसको दबा दीजिए, ऐसे करके खून नहीं रुक रहा आपके किसी पार्ट में दाव गया तो आप इसको दबा दीजिए हल्का सा, आप बंद हो जाएगा। तो ये आपके शरीर की शीतलता, बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अपना बॉडी का टेम्परेचर, तो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है।